सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी भी होती है। एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त याद करते हैं जब तक सांसें चलती है। सांसों के रुकते ही सबसे रिश्तेदार, करीबी दोस्त, यहाँ तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। जीवन में वह व्यक्ति आपका कभी साथ नहीं देगा जो केवल मुसीबत के वक्त आपको याद करता है। आज का पंचांग 16 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह 4:41 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 7:35 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:41 से 3:01 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 43 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर दोपहर 2:21 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 16 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार, पिता या पिता जैसा कोई जो आपके जीवन में विशेष स्थान रखते हैं आपके साथ किसी यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में होने वाली समस्याओं जैसे बीमारी या सामान खोना आदि के लिए तैयार रहें। यह आपके करियर में बदलाव के पल हो सकते हैं। सलाहकार या अध्यापक की सलाह लें। अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होने और कड़ी मेहनत करने के लिए समय शुभ है। आज आप जीवन के मार्ग को तलाशना चाहते हैं। आप आज अपने रोजाना कार्य में से कुछ फुर्सत के पल खुद के लिए निकालेंगे। जीवन में दो लोग असफल होते हैं, जो कहते हैं पर सोचते नहीं और जो सोचते हैं पर कुछ करते नहीं। अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें। निश्चित है आपको सफलता मिलने वाली है। परिवार के साथ किसी धार्मिक गतिविधि में समय व्यतीत करने से शांति महसूस होगी। विद्यार्थी वर्ग भी अपनी पढ़ाई के प्रति उचित ध्यान देंगे। आध्यात्मिक बातों की ओर झुकाव बढ़ सकता है। मानसिक तनाव दूर करने का मार्ग प्राप्त हो सकता है। जितना आप आध्यात्मिक कामों में उलझ रहे हैं उतना ही ध्यान अपने स्वभाव पर भी दें। आध्यात्मिक बातों से शांति प्राप्त होगी, लेकिन समस्याओं का हल प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहने की जरूरत है। अपने काम से संबंधित नई जानकारी प्राप्त करना संभव होगा, जिसके जरिए कार्य का विस्तार करना आसान हो सकता है। प्रेम विवाह से संबंधित तकलीफ दूर करने के लिए परिवार की मदद लेंगे तो अच्छा रहेगा। सावधानियां, इस समय अपनी मनोस्थिति मजबूत बनाकर रखें। बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती है। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। अपनी महत्वपूर्ण चीजों की देखरेख खुद करें। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय विवाहित जीवन तथा प्रेम संबंध दोनों में ही गलतफहमियां न उत्पन्न होने दें। हालांकि घर का वातावरण मधुर तथा अनुशासित रहेगा। रिश्तों में गलतफहमी को न आने दें क्योंकि आप दोनों की जोड़ी शानदार है। अब समय गंभीर होकर आपके रोमांटिक जीवन के बारे में सोचने और उस पर अमल करने का। अपने व्यस्त रोजाना जीवन से छुट्टी लेकर आराम करें। यह समय आप अपने साथी के साथ भी बिताएं ताकि आप दोनों प्यार की गर्मी से अपने बीच के मतभेदों को भुला सके। आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं करियर की। अच्छा भाग्य आपके साथ है और अभी आप अपने पिता की तरह के व्यक्ति के साथ
धर्म स्थान जा सकते हैं। अधिकारी या मालिक से मिली प्रशंसा आपको और भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। कानूनी मामलों को लेकर चिंतित न हो, क्योंकि आज सितारे आपके पक्ष में हैं। यह समय अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर होने और योजनाएं बनाने का है। आपको कुछ समय अकेले बिताने की भी सलाह दी जाती है। भावुक होने से बचें, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने फैसलों के माध्यम से व्यक्त करें। सपने देखने और उन्हें पूरा करने से पीछे ना हटें। बात करते हैं सेहत की। कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से पैरों में दर्द और थकान की शिकायत रह सकती है। आज का उपाय, आज आप साईं बाबा जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।